हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग होम सिकनेस के ऊपर बात करेंगे, यानी कि अपने मम्मी पापा की याद आना जब आप हॉस्टल लाइफ में आ जाया करते हैं। देखो यार, इस चीज से मैंने भी डील करा है और आजकल तो मैं रोज ही डील कर रहा हूं। क्यों? क्योंकि यार मैं अभी कोटा के अंदर हूं और बच्चों को एडमिशन दिला रहा हूं, और रोज 2-3 बच्चों से मेरा इंटरेक्शन हो जाता है। ठीक है, वो बच्चे अपने पेरेंट्स को लेकर क्या कुछ फील कर रहे होते हैं, उन्हें देख के मेरा दिमाग में सब कुछ, मेरा साइकिल चल रही होती है। अब इस चीज में कुछ बुराई है क्या? क्या हमें अपने माँ बाप की याद नहीं आनी चाहिए? यार देखो, जो बंदा आपके साथ 18 साल से रहा है, 17 साल तक रहा है, जिसके साथ आप पले बड़े हो, ठीक है, जिन्होंने आपकी देखभाल करी है, आपके दिन के कई बार 16 घंटे उनके साथ बीते हैं, कभी यार 12 घंटे उनके साथ बीते हैं, तो एकदम से आप उन्हें छोड़ के आ गए हो तो याद तो आएगी। लेकिन इस याद के चक्कर में कई बच्चे क्या कर लेते हैं यार, कि उनपे एक हफ्ते भी कंट्रोल नहीं होता और वो लोग अपनी वापस की टिकट करा के अपने बड़े ड्रीम को छोड़कर चले जाते हैं, जो कि उन्हें आगे फ्यूचर में रिग्रेट करने पर मजबूर कर देता है। इसीलिए मैं नहीं चाहता कि कोई भी ये बच्चा इस चीज को करे, इसीलिए मैं इस वीडियो को बना रहा हूं। तो यार, अब इसमें सॉल्यूशन क्या कर सकते हैं हम लोग? आपने क्या इंप्लीमेंट किया था भैया? आप क्या सजेस्ट करेंगे? देखो यार, कई बच्चे सोचते हैं भैया ऐसा कुछ बता दो एकदम से आगे सब बंद हो जाए। देखो यार, हम लोग ह्यूमंस भी हैं, ठीक है, हमारे अंदर इमोशन है, तो हमें याद तो आएगी, लेकिन उसे कम कर सकते हो थोड़ा सा, और इतना कर सकते हो कि यार उसे आप प्रोडक्टिव यूज करें। ठीक है, इसी के साथ साथ आप लोग उसे मतलब मेंटेन करके चल रहे हो। तो यार मेंटेन कैसे करना है ना, कि आपके हॉस्टल के आसपास भी एक दो हॉस्टल होंगे जहां पर और बच्चे रह रहे होंगे, आप थोड़ा सा जाके उनसे इंटरेक्शन करो, 2-4 बातें उनसे करो, आपका मन हल्का होगा और आपका मन लगना चालू होगा। इसी के साथ साथ जो आप वहां पर रूटीन फॉलो करते थे, उसे थोड़ा थोड़ा सा मत, जो यहां पे पॉसिबल हो उसे थोड़ा सा यहां पे भी करो, ताकि आपको बिल्कुल अलग ना फील आए। साथ ही में दिन में एक दो बार अपने मम्मी पापा से बात करते रहो, क्या चल रहा है, क्या कुछ हो रहा है, ये सब करते रहो। और आजकल तो वीडियो कॉल का ऑप्शन है, तो आप लोग वीडियो कॉल ऑन करके उनके साथ खाना भी खा सकते हैं, बातें भी कर सकते हैं, तो आजकल तो काफी आपको भी हाईटेक चीजें मिल रही होती हैं, आप उनका यूज भी अपने अच्छे के लिए कर सकते हैं। इसी के साथ साथ हम लोग क्या करें कि भाई अपनी पढ़ाई को प्रायोरिटी बढ़ाते चले जाएं। देखो, याद कब आती है? जब हम लोग फ्री होते हैं या फिर कुछ ऐसा काम कर रहे होते हैं जो हमें पसंद नहीं है। मैं सच बता रहा हूं, ज्यादातर केसेस में हमें याद जब ही आएगी, या तो इनिशियल डेज है तो इनमें तो आनी स्वाभाविक है, इनमें तो हर टाइम आ सकती है, लेकिन अगर आपको थोड़ा टाइम हो गया उसके बाद भी आपको ज्यादा याद आ रही है ना, तो इसका मतलब आपके साथ ये है कि जनाब आप जो चल रहा है ना उसमें आप मन नहीं लगा रहे। तो आपके साथ जो चल रहा है पहले पूरा फोकस इसमें लगा दो, ये सोचो कि यार अगर मैं इसे सही तरीके से पढ़ लिया तो मेरे को अपने स्टेट का एक अच्छा कॉलेज मिल जाएगा, और फिर मैं अपने माँ बाप के साथ 4 साल बिता पाऊंगा, और बाय चांस वो नहीं मिला तो फिर तो दूर ही दूर हो। तो ये सब सोचकर पढ़ाई करो, अपनी पढ़ाई को प्रायोरिटी रखो। इसी के साथ साथ माँ बाप से बात करते रहो, अपने मम्मी पापा से बात करते रहो, ठीक है, अपने रूटीन में। जैसे मैं क्या करता था, मैं मंदिर सुबह शाम जाता था, कोटा आकर मैंने सबसे पहली चीज करी कि मैं दिल्ली में एक बार मंदिर जाता था दिन में, ठीक है, मेरे को दिमाग को शांति मिल जाती, दिल को शांति मिल जाती थी। आप लोग भी उस चीज को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, क्योंकि ऐसी जगह मंदिर हो गया, मस्जिद हो गया, ये सब जगह जाके ना यार थोड़ा सा पॉजिटिव वाइब्स आती है, तो आप लोग जा सकते हैं, ठीक है, ताकि आपका दिमाग शांत हो जाए। तो मैं कोटा आके तो 2 बार जाया करता था। सही है, तो आप लोग भी इस चीज को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, मतलब जो चीज आपके दिमाग को पॉजिटिव वाइब दे वो चीज देखिए, इसी के साथ साथ पढ़ाई करें। बस यही कहना चाहूंगा, और बिल्कुल ऐसा मत करना कि बिल्कुल अपने आप को रोकने के पीछे लग जाओ कि नहीं मेरे को याद नहीं आनी चाहिए, याद नहीं आनी चाहिए। अगर ऐसा करोगे तो अपने आप को तकलीफ पहुंचा रहे होगे। इसी के साथ सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय।